और चलिए अब रुक करते कुछ और खबरों का, मौसम के मिजाज का। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। कई इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मौसम भले ही सुहाना हुआ हो, लेकिन इससे सर्दी में भी इजाफा हुआ है। बड़कोट में नए साल की शुरुआत में ही पहाड़ पर मौसम बदल गया है। यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम के आसपास का नजारा बेहद ही लुभावना नजर आ रहा है। हर ओर बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। यमुनोत्री धाम के आसपास पारा माइनस तक पहुंच रहा है। बर्फबारी के बाद तापमान -13 डिग्री तक गिर रहा है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिससे लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। उधर उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री, हर्षिल और मुखबा में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बाद ये पूरा क्षेत्र बर्फ में लिपटा नजर आ रहा है। इस वीडियो में देखिए बर्फ कैसे रुई के सफेद पाहों की तरह नजर आ रही है। गंगोत्री धाम परिसर में भी देखिए कैसे बर्फ जम गई है। मंदिर के बाहर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उधर धारचूला की ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदला है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। व्यास घाटी, आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपुलेख क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज और उत्तरकाशी से दिग्वीर के साथ बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। टिहरी में भी धुंध और पाले की वजह से राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। नई टिहरी चंबा, नई टिहरी बोराड़ी मार्ग पर पाला गिरने से कई वाहन स्लिप हो चुके हैं। ऐसे में नगर पालिका की तरफ से जगहों पर चूना डाला जा रहा है ताकि सड़क पर चलते समय वाहन न फिसले। ठंड को देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में रैन बसेरों की व्यवस्था और अलाव की भी व्यवस्था कर रही है। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 7 या 8 जगह हमारे जो ऐसे है जहाँ पर पालागढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और सुबह शाम चूने का छिड़काव हो रहा है। हमारा रैन बसेरा एक यहाँ पर है जिसमें हमने साफ सुथरी व्यवस्था कर रखी है और जो भी लोग वहाँ पर ठहरते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था कर रखी है। अलाव जलाने की भी व्यवस्था कर रखी है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।